दोस्तों, कई भक्तजनों का यह प्रश्न आता है कि हम गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, वह हमसे उचित विधि से पूजा पाठ नहीं हो पाता। कई बार घर में ध्यान करते समय, पूजा करते समय कोई काम आ जाता है, जिससे अपना ध्यान बीच में ही तोड़ना पड़ जाता है। वह हमारे घर के पंडित जी यह कहते हैं कि पूजा खाली पेट ही करनी चाहिए, नाश्ता करके वह खाना खाकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और हम गृहस्थी वाले लोग हैं और हमसे इन नियमों का पालन नहीं हो पाता, तो क्या इस कारण से हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो सकती? क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न हमसे कई बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आज इस विषय पर वीडियो बनाई है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहे हैं कि आपके गृहस्थ जीवन में व्यस्त दिनचर्या के बीच इन सभी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, तो यह सोच आपकी गलत है। मैं बता दूं कि आप किसी भी तरह का पाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी नियम गृहस्थ व्यक्तियों के लिए नहीं बनाए गए हैं। यह नियम कुछ साधकों के लिए हैं जो किसी साधना मार्ग पर हैं। उन सभी के लिए यह नियम व अनुशासन बनाए गए हैं। गृहस्थ आश्रम के लिए यह सब नियम जरूरी नहीं है। आपको जैसी सुविधा मिले, आपका शरीर जैसे सुखी रहे, वैसे ध्यान करें, चाहे खाना खाकर करें, चाहे बिना खाना खाए करें। कभी भी अगर आप अपने शरीर को कष्ट देकर ध्यान लगा रहे हैं तो आपका ध्यान ईश्वर में तो होगा ही नहीं, आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के कष्ट पर होगा। तो पूजा और ध्यान के नियम गृहस्थ आश्रम के लिए वही सही हैं जो आपके शरीर को कष्ट ना दें। आप चाहे खाकर ध्यान लगाएं, आप चाहे सोफे पे बैठकर ध्यान लगाएं, आप चाहे तो लेटकर ध्यान लगाएं, गृहस्थ व्यक्ति के लिए सब उचित है। यह सब नियम साधकों के लिए बनाए गए हैं। गृहस्थ मनुष्य का एक ही नियम है कि वह अपने परिवार और अपना पालन पोषण अच्छे से करे, वह अपने समाज को अच्छा बनाए रखे, लोगों की मदद करे और अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय निकालकर प्रभु का ध्यान करे। बस एक गृहस्थ आदमी के लिए इतना ही पर्याप्त है, ध्यान का कोई समय नहीं है। हाँ, जहाँ तक हो सके तो प्रातःकाल ही पूजा करें, लेकिन यह भी इतना ही उचित है कि जब और जितना समय मिले आप वो ईश्वर को प्रदान करें। समय चाहे 5 मिनट का हो या 10 मिनट का या 2 मिनट का, इसमें आपके लिए कोई बंदिश नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने अंदर लगाएं, अपनी अंतरात्मा को देखें, भले ही आपका ध्यान का समय 2 मिनट का ही क्यों ना हो, क्योंकि बूंद बूंद से ही आपके हृदय में भक्ति का घड़ा भरेगा। एक कहानी है, एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप प्रभु का ध्यान कैसे करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बस भूख लगती है तो खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, और अभी बाजार में घूमने आया हूँ तो सोचा भगवान की परिक्रमा ही कर लें। यह कितनी गहरी बात कबीरदास जी ने कही है। इसी बात में आपके सभी प्रश्नों के हल मिल जाते हैं कि भगवान तो हर जगह हर दिशा में है, आप जहाँ चाहें वहाँ भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो बोलता हूँ वह नाम है, जो सुनता हूँ वही सुमिरन है, जो करता हूँ वह पूजा है, मेरे लिए घर और उद्यान सब एक समान है, मेरे लिए उनमें कोई अंतर बाकी नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊँ वही मेरे लिए परिक्रमा है और जो कुछ करूँ वही उसकी सेवा है, जब मैं सोता हूँ तब वही मेरी दंडवत है, मैं किसी और देवता की पूजा नहीं करता। इसी एक कविता के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक वीडियो। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।